I am beginning a retired Tariq Ali. Basically, presently I am a consultant for project sourcing, project management, human resource management, security, and at the same time social work. So I am the president of this forum, National Business Forum. Besides this, I am the Secretary General of Pakistan-Russia Business Forum, which is the elected forum from the last 9 years. The purpose was to create awareness. And our forum has four distinct objectives. One is business connectivity through this forum. For example, you have an idea, you come to this forum, and it will go down to everybody. We have about 1,200 members, and it is expanding. Second is the important is the women empowerment. We will be helping women in their sustainability, in their endeavor to earn money. Third is the education. Especially we arrange through our forum from the government side, from the private sector side, we are getting the information on various scholarships which are available to the needy student. The students from the countryside, downtrodden, all those. And the fourth objective of this meetup and business forum is social activity, to create a group of people who can interact and solve each other's problems. मैं हूं फरहनाज और मैं नेशनल बिजनेस फोरम की वाइस प्रेसिडेंट हूं अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि नेशनल बिजनेस फोरम एक्चुअली है क्या तो नेशनल बिजनेस फोरम हम लोगों ने रिफॉर्म किया आज से एक साल पहले और कोशिश हमारी ये थी कि जो बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर वुमेन्स भी मेंस भी और यंगस्टर्स भी हमारे स्टार्टअप भी बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है बहुत सारे लोग थोड़ी सी हेल्प से बहुत आगे तक जा सकते हैं बहुत हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और कोशिश की कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जहां पर हम इन लोगों की मदद कर सकें अच्छा वो मदद हम किस तरह कर सकते हैं वो मदद हम इस तरह कर सकते हैं कि जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं टाइकॉन बिजनेसमैन हैं या जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं हमारे उनसे हम हेल्प लेंगे उनसे हम प्लेसेस भी लेंगे और जो हमारे मॉडरेटर हैं ज़बरदस्त किस्म के उनको हम अपने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे और जहाँ जहाँ पर हमें लगा कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा स्किल है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं कुछ लोग बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं बट थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें नेशनल बिज़नेस फोरम के प्लेटफॉर्म से और आज हम लोग यहाँ पर एक्सपो में हैं वाटर एंड एनर्जी एक्सपो है उसमें हमारा स्टॉल भी है सुबह से माशाल्लाह बहुत हैपनिंग रही है बहुत सारे लोगों ने विजिट्स किया है और मे बी कि आपको शायद पीछे से आवाज़ें आ रही हों अभी भी एक मीटअप हमारा यहाँ पर चल रहा है तो आई थिंक इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे बस आपकी पार्टिसिपेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप हमारे साथ रहिएगा जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आप हमें कोई सजेशन दे सकते हैं हमें अपने मशवरे दे सकते हैं हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और हम तो आपके करने के लिए यहाँ मौजूद हैं थैंक यू सो मच शमसा जबीन जावेद अहमद हूँ सिद्रा इस्माइल नेक ने मैं नेशनल बिजनेस फोरम की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हूँ हमने नेशनल बिजनेस फोरम जो है क्रिएट अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स करने के लिए बनाया है फॉर द स्टार्टअप्स एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स ताकि वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मर्ज होकर अपना काम कर सकें हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें यंगस्टर में और ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट को फ़रोग दें क्योंकि औरतों का तरक्की करना और बिज़नेस में आगे आना बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे जो होम बेस्ड वर्कर हैं जो घर में बैठी ख़वातीन काम करती हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए हम उस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहे हैं शुक्रिया